हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं शोभित और आज हम बात करने वाले हैं सरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो हमेशा की तरह सबसे पहले आज हम बात करेंगे इस कंपनी के बिजनेस के बारे में, फिर हम बात करेंगे इस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, फिर हम बात करेंगे इस कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन के बारे में, और आखिरी में हम देखेंगे ये कंपनी आखिर हमें क्यों अच्छी लगती है और इस कंपनी के कुछ नेगेटिव भी आज हम देखेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम बात करने वाले हैं सरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कंपनी के स्टॉक के बारे में। जो ये कंपनी है, इसका शेयर 2018 में NSE के इमर्ज प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हुआ था, जो कि SME यानी छोटी कंपनियों के लिए होता है, और 2019 में यानी अगले साल ही ये NSE के मेन बोर्ड पे ट्रांसफर हो गया। अब हम बात करेंगे इस कंपनी के बिजनेस के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो ये सरका जो ब्रांड है वो इटली की एक कंपनी है, और ये जो सरका ब्रांड है वो भी इटली का ही एक ब्रांड है। लेकिन जो सरका पेंट इंडिया लिमिटेड यानी SPIL है, वो एक इंडियन कंपनी है और इस कंपनी के पास ही सरका ब्रांड यूज करने का एक्सक्लूसिव राइट्स है, और ना केवल इंडिया में बल्कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी सरका पेंट्स इंडिया के पास ही इस तीनों कंट्री के भी राइट्स है। और पहले इंडियन कंपनी खाली जो सरका ब्रांड के पेंट्स है वो इम्पोर्ट करती थी, लेकिन अभी इन्होंने पिछले साल ही एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगाई है, तो अभी ये सरका पेंट्स के नाम से यहाँ पे पेंट्स और वुड कोटिंग्स मैन्युफैक्चर भी करेंगे। इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो वॉल पेंट्स ना होके वुड, ग्लास और मेटल कोटिंग्स का है। उसके बाद वॉल पेंट्स में ये अभी अभी एंटर हुई है, और हैंड सैनिटाइजर में कोविड को देखते हुए इन्होंने हैंड सैनिटाइजर भी बनाना चालू करा है। अब हम इस कंपनी के बारे में कुछ और जानते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वुड कोटिंग्स के मामले में इंडिया का टॉप 3 ब्रांड है, और ये मैंने पर्सनली स्कटर वेट करके थोड़ा वेरीफाई भी करा था। जब मैंने एक कारपेंटर से पूछा था कि वुड कोटिंग्स के मामले में सबसे अच्छा ब्रांड कौन सा है, तो उन्होंने भी सरका को ही रिकमेंड करा था। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, इस कंपनी के पास इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में सरका ब्रांड यूज करने के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स है। और अगर हम इस कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में बात करें, तो 70% जो इसका रेवेन्यू है वो रिटेल से आता है, और 30% जो है OEM से आता है। OEM मतलब जैसे जो कॉरपोरेट क्लाइंट होते हैं, उसमें इनके पास बड़े बड़े ग्रुप है, जैसे गोदरेज ग्रुप हो गया, जिंदल ग्रुप हो गया, उनका भी ये काम करते हैं। और जो सरका ब्रांड है वो इंडिया में चाहे नया हो, लेकिन इटली में ये 50 साल पुराना ब्रांड है। और OEM में जैसे मैंने बताया था कि गोदरेज और जिंदल जैसे इनके पास ग्रुप है जो इनके क्लाइंट्स हैं। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, तो इस कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर है वो है संजय अग्रवाल, और इनके जो बेटे हैं अपूर्व अग्रवाल, वो भी इन्हीं के साथ काम करते हैं, और मैंने सुना है कि ये काफ़ी हार्ड वर्किंग है और काफ़ी डायनामिक भी है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस कंपनी के पिछले 3 साल की जो सेल है, 2018-19 में इसकी सेल थी 116 करोड़, जो कि 2019-20 में बढ़ के हो गई 134 करोड़, और 2020-21 में 143 करोड़। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, तो 2018-19 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 32 करोड़, जो कि 2019-20 में बढ़ के हो गए 31 करोड़, और 2020-21 में ये 12 करोड़ हो गया। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, तो वो 2018-19 में 27% था, जो कि 2019-20 में 23% रहा, और 2020-21 में ये 8% रहा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि 2019-20 के इनके जो फिगर्स हैं वो थोड़े अच्छे हैं, लेकिन 2020-21 में, जो कि ये पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें इनका जो प्रॉफिट भी कम हुआ है और मार्जिन भी कम हुआ है कोविड को देखते हुए। अब हम बात करेंगे इस कंपनी की कुछ रेशियोज के बारे में। सबसे पहली रेशियो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी बिजनेस में हमने जितना पैसा लगाया उससे हमें कितना रिटर्न मिलने की उम्मीद है। तो इस कंपनी का ROCE अभी थोड़ा कम होके 12% है, ROE 9% है, EPS 6 है, और PE रेशियो 59 है। अगर हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करें, तो ये पॉजिटिव 19 करोड़ है, जो कि अच्छी बात है। डेट इस कंपनी में ना के बराबर 13 करोड़ है। और अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें, तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, 68%, FIIs की होल्डिंग 2% है, DIIs जिसमें LIC म्यूचुअल फंड जैसे इंस्टीट्यूट आते हैं, उनकी होल्डिंग 3% है, और रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 27%। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के स्टॉक के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी 360 के आसपास चल रहा है। ये इस कंपनी की मार्केट कैप अभी 985 करोड़ के आसपास है, फेस वैल्यू 10 रुपये है। थोड़ा बहुत ये डिविडेंड भी देती है 15% का, और इसका एक साल का लो 188 है, और एक साल का हाई इसका 384 है। अब हम देखते हैं ये कंपनी आखिर हमें क्यों अच्छी लगती है। सबसे पहला रीज़न है इसका जो प्रोडक्ट है, नीच प्रोडक्ट है, वो है वुड कोटिंग्स का। तो ये जो वुड कोटिंग्स का प्रोडक्ट है, उसमें इसकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है, इंडिया में भी ये टॉप 3 ब्रांड में, प्रीमियम ब्रांड में आता है,
और इसमें इसका मार्जिन भी अच्छा है और कंपटीशन भी कम है। दूसरा रीजन ये कंपनी हमें अच्छी लगती है क्योंकि इसका मार्केट कैप काफी कम है। हमने देखा था इसका मार्केट कैप 985 करोड़ के आसपास था। अगर हम बाकी पेंट कंपनियों की बात करें तो एशियन पेंट जो इंडिया की नंबर वन पेंट कंपनी है उसका मार्केट कैप 2,80,000 करोड़ रुपए है। फिर बर्जन पेंट का भी 70,000 करोड़ के करीब है। फिर नैरोलैक का 31,000 करोड़ है और फिर इंडिगो जो कि अभी अभी लिस्टेड हुई है उसकी 12,000 करोड़ है और एक्जोनोबल जो ड्यूलक्स ब्रांड से अपना पेंट निकालती है उसकी भी 10,000 करोड़ है। तो हम देख सकते हैं बाकी जितनी भी टॉप 5 पेंट कंपनियां हैं सब 10,000 20,000 40,000-70,000 करोड़ रुपए तक की कंपनियां हैं। तो इस कंपनी का मार्केट कैप अभी भी छोटा है क्योंकि अभी छोटी कंपनियां अभी ये ग्रो कर रही है। तो अगर ये कंपनियां आगे जाके अच्छा काम करती है और अपने ब्रांड को ग्रो करती है तो ये कंपनी का मार्केट कैप भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने की पोटेंशियल रखता है। अगर हम तीसरे रीजन की बात करें तो वो है टेलविंड, यानी इस कंपनी के लिए एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर बन रहा है क्योंकि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी हाउसिंग फॉर ऑल की एक स्कीम चलाई है जिसमें हर एक फैमिली के पास अपना घर होना चाहिए इंडिया में, चाहे वो रूरल एरिया हो अर्बन एरिया हो। तो अगर सबके पास अपना घर होगा तो नए नए घर बनेंगे, करोड़ों घर बनेंगे और उसके लिए हमें पेंट्स की भी ज़रूरत होगी। तो इस कंपनी के लिए ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव है। और एक और रीज़न है कि आजकल के जो घर है उनमें वुड का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और इस कंपनी का जो मेन स्ट्रेंथ है वो वुड कोटिंग्स की ही है, तो इस कंपनी को इसका भी फायदा होगा। और इसके अलावा मुकुल अग्रवाल जो कि एक बहुत बड़े सुपरस्टार इन्वेस्टर है उनका भी इस कंपनी में 3.1% की हिस्सेदारी है। अब हम देखते हैं इस कंपनी के कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में। जो पहला नेगेटिव पॉइंट है वो है स्मॉल कंपनी, ये अभी भी काफ़ी छोटी कंपनी है। तो अगर कोई बड़ी कंपनी जैसे एशियन पेंट और बर्जर काफ़ी अग्रेसिव हो जाती है और वो वुड कोटिंग्स में काफ़ी अपने प्रोजेक्ट ले आती है तो इस कंपनी के लिए थोड़ा टफ हो सकता है उनको उन जैसी बड़ी कंपनियों के साथ कम्पीट करना। लेकिन मुझे लगता है कि इसने अपना सर का जो ब्रांड है वो पहले से ही इस मार्केट में एस्टैब्लिश कर लिया है तो मुझे नहीं लगता है कि बड़ी कंपनियां इसको ज़्यादा टक्कर दे पाएगी। दूसरा जो इसका नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है कि इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अभी काफ़ी कम है क्योंकि अभी ये 2 साल पहले ही लिस्ट हुई है तो इसका जो फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है वो हमारे पास काफ़ी कम अवेलेबल है। और फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड के अलावा जो प्रोमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी अभी काफ़ी कम अवेलेबल है। अगर ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा ज़्यादा होता है तो हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और प्रोमोटर्स का कॉम्पिटेंस लेवल क्या है। ओवरऑल ये काफ़ी प्रॉमिसिंग कंपनी है लेकिन ये रिकमेंडेशन नहीं है और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट भी नहीं हूँ। तो निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर लें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपका कोई क्वेश्चन डाउट या कमेंट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।